जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में आप सॉल्यूशन के टाइप्स, जिसमें अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेशन पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं वीडियो, फिर से देख सकते हैं मिस्ट्री इन केमिस्ट्री चैनल पर जाकर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिक, जो है आपका सॉल्युबिलिटी। क्या है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूशन का क्या होता है और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं डीएनए कैन और जिस चैनल के थ्रू आप मुझे देख रहे हैं उसका नाम तो आप पहले से जानते हैं। क्या नाम है? मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन मैंने आपके लिए लिखा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको यहाँ पर इसी के लिए तो मैं हूँ समझाने के लिए, तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो पहले डिफिनेशन देख लीजिए लिखा क्या है, उसको मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कहा गया है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। यदि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ गए हैं तो आपको सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए इसको बात को वर्ड जो सेंटेंस में है उसको समझिए। ये कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या घुला हो, मैक्सिमम अमाउंट किसमें, ग्राम में, यानी कितना सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में घुला हो, सॉल्यूट घुला हो, क्या हो, सॉल्युबल हो, मैक्सिमम सॉल्युबल हो, कितने में, 100 ग्राम में, कब, किसी गिवन टेम्परेचर पर। जो ही टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, यानी 25 होगा, 20 होगा, जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो किसी गिवन टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ये क्या है सॉल्वेंट, ठीक है सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट घोल सकते हैं, मैक्सिमम सॉल्यूट कितना घोल सकते हैं, यानी कितना ग्राम घुलेगा वही आपका क्या होगा सॉल्युबिलिटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप 100 ग्राम पानी ले लेते हैं। देखिए पानी को वॉल्यूम में यानी ml में भी ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं। पानी का हम जनरल जो डेंसिटी मानते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी पानी का जो डेंसिटी 1 ग्राम, तो 100 ml पानी 100 ग्राम के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। जब हम डेंसिटी 1 लेते हैं तब, ठीक, चलिए ये हो गया। तो 100 ग्राम पानी में आप पिछला वीडियो यदि याद है आपको, तो उसमें हम लोग सैचुरेशन सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन बनाए थे। कैसे बनाए थे? जिसमें साल्ट यानी NaCl घोलना स्टार्ट करते हैं, तो घोलते घोलते एक ऐसा समय आता है कि जब सॉल्यूशन क्या हो जाए, सैचुरेशन हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, यानी अब घुलना बंद हो जाए। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना था, यदि हम टेम्परेचर इसका 20 सेंटीग्रेड लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, मान लीजिए कि 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जब हम सॉल्यूशन को बना रहे हैं, पानी में सॉल्यूट घोल रहे हैं, तो टेम्परेचर कुछ है जो है 20 सेंटीग्रेड, ठीक। अब इसमें घोलते घोलते हम क्या किए थे, 35 ग्राम सॉल्यूट जब घोल दिए तो अब घुलना बंद हो गया था, कितने ग्राम में, 100 ग्राम पानी में। तो ये कंडीशन कहलाया था सैचुरेशन। क्या कहलाया था? सैचुरेशन। तो ये 35 ग्राम 100 ग्राम पानी में NaCl की क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी, यानी NaCl की सॉल्युबिलिटी क्या कहलाएगा, 35 ग्राम, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग क्राइटेरिया लगा दिए कि कितने ग्राम सॉल्वेंट में, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट की अमाउंट होगा वो कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम में किसी सॉल्यूट का कितना अमाउंट मैक्सिमम घुल सकता है ताकि वो सॉल्यूशन क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, कब, किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब पर कांस्टेंट होता है तो उसको प्रेशर नहीं कहेंगे, तो भी अंडरस्टूड है, लेकिन टेम्परेचर आपको बोलना पड़ेगा कि एट गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट घुल रहा है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, वही सॉल्यूट का मात्रा अमाउंट क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी। तो NaCl का, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्युबिलिटी है 35 ग्राम 100 ग्राम में है और टेम्परेचर 20 सेल्सियस है, ठीक है। उसी तरह से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो चीनी है, शुगर,
sugar. यानी सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह केमिकली फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सुक्रोज, क्या बोलते हैं सुक्रोज, जिसको हम अपने इंग्लिश के लैंग्वेज क्या बोलते हैं सुगर चीनी। तो इस ये कितना घुल सकता है पानी में यदि टेम्परेचर क्या हो लगभग 20 सेंटीग्रेड है सेम टेम्परेचर, तो इस ये 204 ग्राम 100 ग्राम पानी में घुल सकता है। ध्यान दीजिए 100 ग्राम पानी में चीनी कितना घुल सकता है 204 ग्राम पानी 100 ग्राम और चीनी 204 ग्राम घुल जा रहा है, बहुत ही ज्यादा घुल गया। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे 204 ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुल रहा है, ठीक है टेम्परेचर फिक्स है ओके। तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कितना मैक्सिमम सॉल्यूट घुल सकता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। यदि 2 ग्राम घुल रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी 2 ग्राम, यदि 35 ग्राम घुल रहा है तो 35 ग्राम, 204 वाला भी समझ रहे। अब हर एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हर एक सॉल्वेंट में अलग अलग होती है, ये आपको जानना होता है उसके नेचर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी होती है। तो हम इसको फैक्टर में पढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी का एक बार डेफिनेशन एक बार फिर देख लीजिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड, यानी इतना अधिक घोल देंगे कि अब घुलना बंद हो जाए उस समय वो कहलाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी। यदि अभी घुलता रहेगा तो वो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाएगी। तो ये आपके दो डाटा हैं जो कि 35 ग्राम 20 सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में और चीनी 204 ग्राम 100 ग्राम पानी में 20 सेंटीग्रेड पर घुलता है, क्लियर। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। पहला है सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर, फैक्टर में मेन क्या क्या पढ़ते हैं आप, टेम्परेचर प्रेशर सरफेस एरिया ठीक है लाइट, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो क्या है हेडिंग फैक्टर दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। तो इसमें मेन पॉइंट हम बात करेंगे, मेन है टेम्परेचर ठीक है। तो पहला है टेम्परेचर। देखिए हम उस सॉल्यूट की बात कर रहे हैं जिसमें सॉलिड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो, यानी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ठीक है। यानी आपका सॉलिड क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्वेंट ठीक, उसकी बात कर रहे हैं तब टेम्परेचर की हम बात इंपॉर्टेंस होगा। तो टेम्परेचर क्या इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूट की क्या होती है बढ़ती है ठीक है, ये सीधा संबंध है। यदि प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो ये कंडीशन एक और भी है जिसमें इसमें कंडीशन लगा देंगे, इफ प्रोसेस यानी घुलना प्रोसेस इज इंडोथर्मिक यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई चीज घुल रहा है तो ठंडा हो जा रहा है, जैसे चीनी को पानी में घोलते हैं तो ठंडा हो जाता है, नमक को पानी में घोलते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर आप क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा आपका है नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर डिपेंड करता है। जैसे 100 ग्राम पानी है 100 ग्राम H2O है तो इसमें नमक कितना घुल रहा है भैया 35 ग्राम, लेकिन 100 ग्राम पानी में चीनी कितना घुल रहा है 200, शुगर कितना घुल रहा है 204। तो ये कि पानी तो सेम है सॉल्वेंट सेम है लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर भी निर्भर करता है, देख रहे हैं ना कि ये केवल 35 ग्राम घुल रहा है और टेम्परेचर भी सेम है 25 डिग्री सेल्सियस ठीक है, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या है डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप गैस लिक्विड की बात करें तो ये सॉलिड लिक्विड की बात हो गई, यदि आप तीसरा गैस यदि आपका सॉल्यूट है ठीक है गैस लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें टेम्परेचर
बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। लेकिन इस कंडीशन इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए प्रेशर का इंपॉर्टेंस हो जाता है, यानी प्रेशर बढ़ाने पर गैस सॉल्यूट हो लिक्विड सॉल्वेंट हो तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ये दो बात चार पॉइंट हो गया, सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट के लिए और गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यदि सॉल्यूट आपका गैस है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, और यदि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यदि गैस आपको जैसे ऑक्सीजन को पानी घोल रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन अधिक घुलेगा, और लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम घुलेगा। ये गैस और लिक्विड सॉल्वेंट के लिए हो गया। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये कैसे अफेक्ट होता है आप समझ गए, और ये जो डेटा है हर एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग होती है, ये आपको साइड बुक में या गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो में क्या सुझाव देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं, कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।